सर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मैंने कुछ अपने लिए स्वेटर्स ऑर्डर कर दिए हैं। निकालती हूँ जरा कैसे हैं। सो गाइस मैं रेडी हूँ, मैं आपको स्वेटर दिखा दी जो मैंने एक ही ट्राई किया मैंने अभी। अच्छा लग रहा, कलर अच्छा लग रहा ना। सी इट्स नाइस कलर, गोइंग ब्लैक ऑल्सो। पता है कबीर ने मुझसे आज एक क्वेश्चन पूछा सुबह, मुझे अच्छा लगा और मैं इसका सोच में पड़ गई और इसका जवाब जो मेरे दिमाग ने दिया वो बहुत अच्छा दिया और मैं ऐसा ही बिलीव करती हूँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। पहले मैं केला खा लूँ अपना, भूख लग रही है। ये आजमे की मम्मा, हेटर्स कौन होते हैं, यू नो हेटर्स कौन होते हैं? कभी सोचा आपने? पता है दो तरह के हेटर्स होते हैं, बताती हूँ। निकलूँ पहले फिर रात में बताती हूँ। तो निकल पड़ी हूँ मैं, स्वेटर अच्छा लग रहा है ना, बताओ ना आप लोग, कुछ बताते क्यों नहीं हो? कमेंट सेक्शन में लिखा करो। वैसे बताते हो, थैंक यू। अच्छा सो गाइस, कबीर का क्वेश्चन था कि मामा हेटर्स कौन होते हैं। हेटर्स मेरे हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेटर्स जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते भी हैं और आपके ऊपर हमेशा अवेलाय रखते हैं ना कि इसके साथ ये हो जाए, सब हो जाए, और वो कुछ ना कुछ यू नो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। उन लोगों से कट लेना चाहिए एकदम लाइफ में, मतलब उनकी तरफ आप ना कुछ करो ना एक्शन लो, और जो वो कर रहे हैं उसको यू नो उसका सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ गए, और उनको लाइफ से अपनी काट दो बस एकदम ये। और दूसरी तरह के हेटर्स होते हैं जो आपके साथ कुछ बुरा करते नहीं हैं, सिर्फ आपके बारे में बुराई करते हैं, आपके लिए बुरा बोलते रहते हैं 10 लोगों के सामने, और वो इसलिए करते हैं ताकि उनको सिंपथी मिले, उनको अटेंशन मिले उन 10 लोगों से, यू नो उनको इस चीज़ से खुशी मिलती है कि मुझे 10 लोग अटेंशन दे रहे हैं, मैं सिंपथी ले रहा हूँ, ठीक है ऐसा होता है। और ये दूसरी तरह के जो हेटर्स होते हैं ना, जो आपकी सिर्फ बुराई करते हैं बट हार्म नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो दूसरी तरह के हेटर्स होते हैं दे जो आपको हार्म नहीं करते हैं, दे आर ओके, और उनके साथ मैं फिर भी हंसती बोलती हूँ, मैं आई ऑलवेज वेलकम देम इन माई लाइफ। बट जो फर्स्ट वाले हेटर्स होते हैं ना, उनसे तो आपको मतलब मुड़ के देखना ही नहीं है। ये मेरी फिलॉसफी है, बाकी समझे कुछ जानम समझा करो। मैं इंजॉय करती हूँ यू नो हेटर्स का होना अपनी लाइफ में। मैं अजीब ही हूँ। बहुत मोटिवेशन मिलती है पता है इससे। ये डॉगी रोज आ जाता है ना, इसको सोना है, इसको यहाँ पे सोना है, मेरी गाड़ी के नीचे ही सोना है। चलो जा। सो गाइस आज का हेक्टिक दिन था सुबह से। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस लेट जाऊँ, चाय पीने की इतनी क्रेविंग हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी है, लेकिन मेरी चाय बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उठ के बनाना पड़ेगा। और आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं, वो लैपटॉप में इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, उसे पड़े हैं लैपटॉप के अंदर, और तो भी चाय बनाती हूँ अपने लिए और अपने पति के लिए। क्या मजाक कर रहे हो, बनाओगे? कह रहे मैं बनाऊंगा चाय, तुम आराम करो। वैसे आप पता सुबह मुझे क्या कर रहे थे, मैं उसमें बीमारी पड़ गई थी ना, बहुत काम करती हो, सारी भाग दौड़ करती हो, यू नो मैं पता व्लॉग्स में देख के इनको लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा था इतने ना इतना डालूंगा, ऐसे पता नहीं इनको ऐसे कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, अब व्लॉग्स में देख के लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मेहनत करती हूँ, अभी तक तो मुझे कहता था कि मैं घर में क्या मतलब रिलैक्स करती रहती हूँ, हमेशा हमेशा यही कहते हो तुम घर में करती क्या हो। वो सच में जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं। ठीक है जाओ, चीनी मत डालना, मेरे में गुड़ डालना। ये मैंने मसूरी से लिया था, इसमें चाय ठंडी भी नहीं हो रही है। बट सच्ची में पति के हाथ की चाय पी के ना आत्मा तृप्त हो जाती है। इतना अच्छा लगता है ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है ना कि व्हेन ही सेज लाइक दिस, बहुत रेयरली। मतलब जन्मों के बाद ऐसा आज हुआ है एक्चुअली।